बेबी डॉज कॉइन एक ऐसा मीम टोकन है जो हर तरह से अपने यूज केस को डेवलप करने के पीछे पड़ा हुआ है। एक तरफ वो फंडामेंटल कॉइन्स है जिन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके अपने यूज केस को डेवलप किया, लेकिन इस बेरिश मार्केट में वो कॉइन्स भी हार मान चुके हैं। दूसरी तरफ है वो मीम टोकन जिन्होंने अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर, अपने फैन बेस को समझकर और अपने यूज केस को समझकर इस बेरिश मार्केट में टिके रहने का ठान लिया है। बेबी डॉज कॉइन ने रिसेंटली लॉन्च किया है बेबी डॉज स्वैप, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है, और उसी के तुरंत बाद इसने लॉन्च किया है ज़ैप्स, जो कि है वन क्लिक फार्मिंग, जिसमें आप अपने BSC टोकन्स को LP टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेबी डॉज कॉइन अपनी पूरी जान लगा रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा रहा है अगला शिबा इनू कॉइन बनने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से अपडेट्स और डेवलपमेंट्स इसे अपने यूज केस में लाने चाहिए ताकि एक अच्छा पोटेंशियल कॉइन बन सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप में अगर इसकी सिचुएशन की हम बात करें तो अभी के समय में कॉइन अपने प्राइस में 8-0 लगाता हुआ 1 की सीरीज पर चल रहा है। केवल 10 दिन के अंदर कॉइन मार्केट कैप में 10 कॉइन्स को पीछे छोड़कर 232 रैंक से 222 रैंक पर बेबी डॉज पहुंच चुका है, और वॉचलिस्ट के मामले में ये कॉइन 3.5 लाख से भी ज्यादा की वॉचलिस्ट को पार कर चुका है। मेटावर्स में बेबी डॉज की एंट्री के बाद, NFTs लॉन्च हो जाने के बाद, बेबी डॉज स्वैप लॉन्च हो जाने के बाद और बेबी डॉज कार्ड के लॉन्च होने के अनाउंसमेंट के बाद कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो बेबी डॉज कॉइन को अपने यूज केस के अंदर लाने चाहिए। फर्स्टली, बेबी डॉज कॉइन ने रिसेंटली अनाउंस किया है बेबी डॉज कार्ड के बारे में। बेबी डॉज कार्ड जो एक एप्लीकेशन होगा iOS और Android यूजर्स के लिए। इस एप्लीकेशन में आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल कर सकते हैं। बेबी डॉज कार्ड का सबसे इंटरेस्टिंग की फीचर होगा टेक्स्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में आप किसी के भी मोबाइल नंबर को यूज करके बेबी डॉज कॉइन्स को टेक्स्ट कर सकते हैं, और दुनिया में किसी को भी कहीं पर भी आप बेबी डॉज कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी केवल बेबी डॉज कॉइन लेकर आया है मार्केट में। इससे पहले किसी भी कॉइन ने इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो फिलहाल बेबी डॉज कार्ड थर्ड पार्टी के लिए वेट कर रहा है। जैसे ही थर्ड पार्टी अप्रूवल मिल जाता है, बेबी डॉज कार्ड लॉन्च हो जाएगा। दूसरे किसी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो क्योंकि बेबी डॉज स्वैप लॉन्च हो चुका है तो बेबी डॉज क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च जल्दी हो जाना चाहिए। बेबी डॉज स्वैप क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होगा जिसमें से आप अपने बेबी डॉज को स्वैप करके किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ जाती है तो क्रिप्टो करेंसी एक अलग मोड ले लेगा। डिजिटल करेंसीज ही और क्रिप्टो करेंसीज ही फ्यूचर होने वाला है वर्ल्ड करेंसीज का और वर्ल्ड का। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हमें उस फ्यूचर को जल्द से जल्द देखने में मदद करेगी। इसके अलावा जिस तरह से इसकी बर्निंग चल रही है, जिस स्पीड से इसकी बर्निंग चल रही है, इसे अपने बर्निंग रेट को काफी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। माना कि बेबी डॉज कॉइन अभी तक 50% ऑफ इसकी टोटल सप्लाई बर्न कर चुका है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस कॉइन की टोटल सप्लाई क्वाड्रिलियन में चल रही है। 420 क्वाड्रिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, और अगर इस कॉइन को मार्केट में टिके रहना है तो इसे अपनी सप्लाई को जल्द से जल्द बर्न करना होगा। फ्यूचर में बेबी डॉज जब भी अपने बर्न रेट को इंक्रीज करके अपनी सप्लाई को कम कर देगा, ट्रिलियन बिलियन तक इसकी सप्लाई पहुंच जाएगी, तब हम सोच सकते हैं कि ये कॉइन अपने 1-0 को, 2-0 को, 3-0 को किल करके 1 रुपए के मार्क को टच कर लेगा। अभी के डेट में कई बड़े इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि जैसे ही नेक्स्ट बुल रन आता है, जैसे ही ये बेरिश मार्केट खत्म हो जाता है, मार्केट क्रैश खत्म हो जाता है, ये कॉइन सबसे पहले ऊपर जाएगा। सबसे पहले ये अपने 2 या 3 जीरोस को किल कर देगा, और इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे ही अपने जीरोस को किल कर लेता है, ये एक स्टेबल ग्रोथ बनाना शुरू कर देता है, यानी कि उससे नीचे ये कभी नहीं जाता। तो अगर ऐसा होता है तो ये कॉइन पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी बन जाता है। तो अगर आपने इस कॉइन में इन्वेस्ट करके रखा है तो मेरी राय तो यही होगी कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप इसे होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये बेरिश मार्केट चल रहा है, जैसे ही बुल रन आएगा ये कॉइन सबसे पहले पंप होगा। और अगर आप उन लोगों में से है जो इस कॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बेशक आप इस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉइन एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है आगे बढ़ने का और फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट रिटर्न करने का। तो होप आपको इस वीडियो ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे।